इसके बाद में प्रिया यादव पूछ रही हैं, सर मैं यह जानना चाहती हूँ कि जो लोग दुनिया से जा चुके हैं वो लोग सेम वैसा फील करते हैं जैसा हम डीप मेडिटेशन में जाने पर करते हैं। क्वेश्चन अच्छा है और आपको आंसर भी दूंगा। देखिए, जब हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो हमें एक ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा को मैं वर्ड में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन उस ऊर्जा के बाद में हमें क्या मिलता है, एक हैप्पीनेस। हमें जैसे काम करने के लिए कहीं से एक ऊर्जा डाल दी जाए। इसको आप ऐसा रिलेट कर सकते हो कि जब हमारा कोई परिजन जिसको हम बहुत प्यार करते थे वो यहाँ से चला जाता है, चले जाने के बाद में बहुत दिन हो गए हम उसको हमेशा उसके लिए परेशान रहते हैं, मिस करते हैं, लेकिन सडन से एक दिन वो सपने में आ जाए और हमसे बात करने लगे, वो बात करने के बाद में उससे अगले दिन आपकी कैसे जाती है? आपका पूरा दिन इस तरह से जाएगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, और सब कुछ आप हंस के सबसे बात करोगे, और ऐसा मतलब इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, एक ऊर्जा आएगी। अब वो ऊर्जा कहाँ से आती है, वो एक अलग क्रम है। वो ऊर्जा आपकी आती है उन सोल की वजह से, वो सोल आपको ब्लेस करती है क्योंकि उनको पता है कि आपके लाइफ में बहुत स्ट्रगल आने वाला है, तो उस स्ट्रगल को कम करने के लिए या उस स्ट्रगल से लड़ने के लिए, उससे पार पाने के लिए वो ऊर्जा आपको दी जाती है। सेम तरह की ऊर्जा आपको मेडिटेशन के द्वारा मिलती है। सारे जो हमारे सद्गुरु हैं, जो भी मेडिटेशन में परिपूर्ण है बहुत अच्छे लेवल पे, वो भी यही बात बताएंगे आपको कि मेडिटेशन से हमें क्या मिलती है। एक ऊर्जा मिलती है जो हमें डे टू डे लाइफ की जो निगेटिविटी रहती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, आज उसका कल उसका, सब उन सारी चीजों से हमें पार पाने के लिए मिलती है। अब आपका ये क्वेश्चन ये है कि वो आत्मा भी कुछ इस तरह से इस तरह का ही फील करती है क्या? देखिए, जब आप मेडिटेशन में जाते हैं और आप परिपूर्ण हैं मेडिटेशन से, तो उस समय क्या होता है, आपको बहुत हल्कापन महसूस होता है। क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी स्टेज क्या है अभी मेडिटेशन में, अगर आपकी स्टेज अच्छी है तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ मेरे अंदर से निकल के जा रहा है, और आपको इतना हल्कापन लगेगा जैसे कि आपकी डेथ हो चुकी है, आपका शरीर उधर पड़ा हुआ है और आपकी आत्मा जाके कहीं दूसरी जगह पर बैठी है, तो यू विल फील लाइक वाओ, इट्स ऑसम। और आप जब तक अगर इसमें परिपूर्ण नहीं है तो आपको डर लग सकता है, लेकिन अगर आप इसमें परिपूर्ण हो चुके हो, परिपूर्ण से मतलब है आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके हो कि आप इस सारी चीजों के यूज टू हो चुके हो, तो आपको वो बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी लगने लगेंगी। तो यस, जब आत्मा यहाँ से जाती है अपना शरीर छोड़ के, तो उसको हमेशा के लिए ही ये हल्कापन रहता है, क्योंकि पेन जो है, आज हम जो दर्द महसूस करते हैं सिर्फ वो इस शरीर की वजह से करते हैं, इस शरीर में सारे वो दर्द हैं, हकीकत में तो कुछ भी नहीं है। तो जो आप मेडिटेशन के थ्रू महसूस करते हो वो आत्मा हमेशा महसूस करती है, और आत्मा उससे ऊपर की चीज है। अलका जसवाल, आपको फिर से देखकर बहुत खुशी हुई, थैंक यू वेरी मच जसवाल जी, अलका जी थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आप हमेशा जुड़ते हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्रिया यादव, मैंने रिप्लाई कर दिया, प्लीज सर रिप्लाई करिएगा, मैंने रिप्लाई कर दिया आपका, अगर फिर भी कुछ है तो पूछ लीजिए नीचे। रूपा देवी, सर मेरे कांटेक्ट बहुत ही ज्यादा कम है, मैं सोशल बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्या वजह हो सकती है? देखिए, हर चीज में वजह खोजने की चीज कोशिश मत कीजिए, कुछ चीजें हमारे नेचर के लिए नेचर के हिसाब से भी होती हैं कि हमें कैसे परवरिश दी गई है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ साथ में, आत्मा के साथ साथ में, हमारे साथ में एक भौतिक मन भी रहता है जो हमें हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए भी काफी रहता है, तो उस थॉट प्रोसेस के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें होती हैं। भूषण, मेरे फादर जीना चाहते थे पर अप्रैल में अचानक से चले गए, वो भगवान को मानते थे, तो फिर भगवान ने उनको क्यों बुला लिया अचानक से? अब मुझे लगता है वो मेरे अंदर जी रहे हैं, क्या सच है? भूषण जी, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, शुरू से लेकर आखिर तक यही चीज चल रही है, मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भगवान के लिए शरीर देना शरीर ना देना बहुत छोटी सी चीज है। आप इसको बस इतना से समझ लीजिए कि आप एक पर्पस के लिए आए हो, एक मिशन पूर्ण करने आए हो, उस मिशन के थ्रू आपको एक जेट दिया जाता है, या इसको कह लो एक सूट है जो आपकी मदद करता है उस मिशन को पूर्ण करने के लिए, या आप कुछ एक्सपेरिमेंट करने आए हो, या आप कुछ सीखने के लिए आए हो, तो ये सारी चीजें बस आपको मदद करती है शरीर उस चीज से
पाने के लिए या उस मिशन को अपने आसपास लाने के लिए। आप सोच लगते हो कि ये जो सूट है यानी कि जो कपड़े हैं या ये जो बॉडी है जिसको भी आप कोई भी नाम दे लो वो सब कुछ है। तो यहीं से सारी गलत फहमियां स्टार्ट होती हैं और यहीं से आपकी सफरिंग भी स्टार्ट होती है। भगवान को मानना ना मानना इससे जीने मरने से कोई मतलब नहीं है। जो नास्तिक लोग हैं जो भगवान को कभी नहीं मानते वो भी 100 साल तक जी रहे हैं, और जो बहुत ज्यादा अवेकन है और जितने ज्यादा अवेकन है वो कम से कम जी रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस पृथ्वी पे जीना इट्स नॉट लाइक कि आप एक महल में रह रहे हो और आपके पीछे सारे काम करने वाले लोग हैं, बस आपके ऊपर हवा फैन चल रहा है और बहुत कुछ स्वर्ग जैसी लाइफ है। इट्स नॉट लाइक दैट। आपके साथ में सब कुछ होते हुए भी दूसरी तरह की सफरिंग लग जाएगी, क्योंकि आपका भौतिक मन इसी तरह से वर्कआउट करता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए आपके कार्मिक अकाउंट पर जो होने वाले क्रियाएं हैं उसको, जो रिएक्शन होते हैं उसको देखने के लिए, उससे सीखने के लिए, दूसरों को माफ करने के लिए, अपने लाइफ का पर्पस देखने के लिए, अपने मोक्ष का रास्ता निकालने के लिए आपको यहाँ पे भेजा जाता है। और आप सोचने लगते हो कि मुझे तो चिकन खाने में बहुत मजा आता है, चिकन ही सब कुछ है, मुझे तो लड़की के साथ में रहने में बहुत मजा आता है, मुझे तो बस सेक्स ही एक ऐसी होती है या मेरी गर्लफ्रेंड ही सब कुछ है, और आपके लिए जैसे आपका पिता के लिए आपका मोह है या प्यार है या जो भी आप नाम दो वही सब कुछ है, तो प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। अब इसमें आपका अगला क्वेश्चन था क्या वो मेरे अंदर हैं? अगर आप महसूस करते हैं तो बिल्कुल हैं, आप उनको डिनाई कर दो तो कुछ भी नहीं है। भगवान किसी ने नहीं देखे, और जिसने भी देखे वो बहुत ऊपर की चीज थी,